रहीम, हम अपने सबक का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से करते हैं और आज हम 30 से आगे 50 तक अपनी काउंटिंग पूरी करेंगे। तो आप देखें, नंबर को देखें, जो नंबर आपके सामने आता है पहले उससे बोलें खुद से और उसके बाद उसको लिखें, क्योंकि जब आप बोलेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो आपको काउंटिंग जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो लिखने से जो है वो आपको स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो ये कौन सा नंबर है? जी हाँ, ये 3 को 7 1 है तो ये बन गया 31। शाबाश। अब मैंने आपको कहा था कि 1 से 10 तक आप गिनती पूरी कर लें, तो अब आप 30 के साथ 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 31। और ये क्या है? ये 32 है। तो 30 लिखें, THRRTY 30 और साथ 2। तो इस तरह गिनती जो है, काउंटिंग जो है वो बहुत आसान है। ये है, शाबाश बोलें, 33। जी हाँ, जब 2-3 लिखे जाते हैं साथ साथ तो ये कहलाते हैं 33। आपने 30 लिखा और आगे 3 लिख दिया, शाबाश। अब 33 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 34। तो 34 में आप 30 और 4, FOUR 4, 34। अब अगला नंबर कौन सा आएगा? 5। तो 35 हो जाएगा ये, 35। आप 30 लिखें और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के उसके बाद 5 लिखें। 35 जो है वो दो नंबरों 30 और 5 से मिलता बनता है। ये कौन सा नंबर है? शाबाश, 36। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, पहले आप 30 लिखेंगे और उसके आगे 6 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 36। अगला नंबर कौन सा है? शाबाश, गुड। ये है 37। 37, और ये भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, 30 और 7। 37, 37 के बाद क्या आएगा? शाबाश, 38। 38, आपने 30 लिखा और उसके आगे आपने 8 लिख दिया, शाबाश। आगे 38 के बाद कौन सा नंबर आता है? 39। मेरे साथ बोलें, 39। 39 को कैसे लिखेंगे? 30 और 9 बन जाएगा 39। उसके बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 40। शाबाश, 40 के स्पेलिंग बहुत आसान है, FROTY 40। अब 40 से 49 तक हमने फिर वही रिपीट करना है, 41, 40 हमने लिखा और फिर 1, तो ये बन गया 41। 41 को 41 कहते हैं। फिर आगे 41 के बाद, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो क्योंकि हम 40 की गिनती गिन रहे हैं तो हम लिखेंगे 42। और फिर उसके बाद क्या आता है? 42 के बाद क्या आता है? 3। और क्योंकि हम 40 की काउंटिंग कर रहे हैं तो 43 आ जाएगा, शाबाश, गुड, 43। तो हमने पहले 40 लिखा और उसके बाद हमने 3 लिख दिया। 43 के बाद, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 44। और 44 के स्पेलिंग तो हमें अच्छी तरह आते हैं। 44 के बाद क्या आएगा? 45। और 40 + 5 = 45 बन जाएगा, शाबाश। अब 45 के बाद कौन सा अगला नंबर आता है? 46। शाबाश, 46। और उसके बाद अगला कौन सा नंबर आता है? शाबाश, 47। 47। अब 40 लिखेंगे और उसके आगे 7, 47। और उसके बाद आगे क्या आएगा? शाबाश, 48। और फिर आप देख लें कि 1-9 जो है वो नंबर बार बार इंग्लिश में काउंटिंग में रिपीट होते हैं। 49, यानी 40 लिखा आपने, फिर 9 लिखा, और 40 जब 9 हो जाएगा तो फिर 50 नंबर आ जाएगा, 50।
49 के बाद क्या आएगा? 50, 50, और 50 के स्पेलिंग बहुत आसान है, FIFTY, 50। तो ये वीडियो आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई है, तो आप YouTube चैनल पे जाएं और बाकी वीडियोस भी देखें।